हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सेकंड क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमसे पूछा जाता है कि चली जाती है पार्लर पे जाने का कॉस्ट से कैलकुलेट करें एक लेजर का कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट लेजर हेयर रिडक्शन वेल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये लेजर हेयर रिमूवल नहीं होता लेजर हेयर रिडक्शन होता है हम ड मेडिको क्लिनिक पे डायोड लेजर बाय प्राइम लेस यूज करते हैं डायोड इंडियन स्किन टाइप के लिए वन ऑफ द बेस्ट लेजर होता है जिसका रिस्पॉन्स इंडियन स्किन टाइप पे बहुत अच्छा होता है सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमसे पूछा जाता है कि लेजर को कितनी में कोई मत है. 6 के times, होती है जो डॉक्टर पेशेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग में होती है या तो पेशेंट सिक्स मंथ्स में एक बार आते हैं या तीन महीने में एक बार आते हैं जो मेंटेनेंस थेरेपी होती है जिसका टाइम इनवेरिएबल होता है किसी किसी को ज्यादा चाहिए होती है किसी को कम हम लेजर करने से पहले उस एरिया को शेव करते हैं ताकि वो फाइन हेयर या कोर्स हेयर हम हटा सके क्योंकि अगर फाइन हेयर या कोर्स हेयर दिखे तो लेजर की लाइट उसको बर्न कर सकती है ऊपर जिससे स्किन बर्न होता है इसलिए शेव करना बहुत जरूरी है उसके बाद लेजर किया जाता है जेल लगाने के बाद जो कूलेंट जेल होता है वो बाद में हम मॉइस्चराइज करते हैं लेजर के दौरान आपको थोड़ा बहुत प्रिकलिंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है एब्सोलूटली पेनलेस नहीं होता है ये बट येस इमिजिएटली लेजर के बाद वो सेंसेशन भी चली जाती है शेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है और लेजर के बाद मॉइस्चराइज लगाना बहुत जरूरी है एज मेनी टाइम्स वी वेट फॉर ट्वेल्व साइकिल के 12 महीने के बाद हम वेट करते हैं जिसके बाद हम लोग लेजर करते हैं टू गेट बेटर रिजल्ट्स अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी होता है इन गर्ल्स जिनके ज्यादा थिक हेयर होते हैं लेजर हेयर रिडक्शन के लिए एंड यस अंडर आर्म फेस बिकनी आर वन एरिया जहाँ पे छह से ज्यादा दस तक भी सिटिंग चल सकती है बट येस इट इज